कोरोना काल के बीच जांजगीर चांपा पुलिस प्रशासन ने अवैध गतिविधियों और बदमाशों की धरपकड़ तेजी से कर दी है। इसी के चलते डबरा थाना पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक बाइक से गांजा बेचने के लिए जा रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम सारा डी बैराज की ओर एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहा है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मौके पर जाकर रेड कार्रवाई किया गया तो आरोपी नकुल निषाद पिता समारू निषाद जो उलखर थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ का रहने वाला है के कब्जे से 3 अलग अलग पैकेट में कुल 2 किलो 700 ग्राम सूखा मादक पदार्थ गांजा एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी नकुल निषाद के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय जांजगीर कोर्ट पेश किया जाएगा।